हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो इसके अंदर हम देखेंगे मशीन लर्निंग के जो फीचर स्केलिंग पार्ट वन है उसको, ठीक है। सो फीचर स्केलिंग एक टेक्निक है टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा इन अ फिक्स्ड रेंज। इस टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं जो डेटा के अंदर प्रेजेंट हैं उसको एक फिक्स्ड रेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फीचर्स को। हर एक फीचर को नहीं, इंडिपेंडेंट फीचर को। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली डेटा प्री प्रोसेसिंग के दौरान ही हम करेंगे क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो वर्किंग गिवन ए डेटा सेट विद फीचर्स, हमारे पास में एक डेटा सेट है जिसके अंदर एज, सैलरी, BHK, अपार्टमेंट विद अ डेटा सेट ऑफ 5000 पीपल। हमारे पास में 5000 लोगों का एक डेटा सेट है जिसके अंदर उनकी एज है, सैलरी है, BHK अपार्टमेंट है, ईच हैविंग दीज इंडिपेंडेंट डेटा फीचर्स। तो उनके अंदर हर एक के अंदर ये सब डेटा फीचर्स इंडिपेंडेंट डेटा फीचर्स हैं। ईच डेटा पॉइंट इज लेबल्ड एज क्लास वन, क्लास टू, यस मीन मीन्स विद द गिवन एज, सैलरी, BHK अपार्टमेंट फीचर्स वैल्यू वन कैन बाय द प्रॉपर्टी, ओके। एंड क्लास टू नो means the with the given age, salary, BHK apartment features value one cannot buy the property। तो हर एक जो डेटा है वो क्लास वन और क्लास टू के आधार पे है, जो कि क्लास वन तो ये बताता है कि वो अपार्टमेंट खरीद पाएगा, क्लास टू ये बताता है कि अपार्टमेंट नहीं खरीद पाएगा। यूजिंग अ डेटा सेट टू ट्रेन द मॉडल, वन एम्स टू बिल्ड अ मॉडल दैट दैट कैन प्रिडिक्ट वेदर वन कैन बाय अ प्रॉपर्टी और नॉट विद अ गिवन फीचर्स वैल्यूज, ओके। सो वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, एन एन डायमेंशनल वेयर एन इज द नंबर ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा सेट ग्राफ विद द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन डेटा सेट कैन बी क्रिएटेड। द फीचर गिवन बिलो इज एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल। तो ये बता रहा है कि ये तो देखो एक डेटा पॉइंट हो गया, उसके आधार पे क्लास वन ये लोग हैं जो कि ले सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, ये वाले अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, क्लास टू वाले नहीं खरीद सकते, क्लास वन वाले खरीद सकते हैं, ठीक है। सो ये उसका एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है। एज शोन इन द फिगर स्टार डेटा पॉइंट्स बिलोंग टू अ क्लास वन, यस एंड सर्कल्स रिप्रेजेंट्स क्लास टू, नो लेबल्स एंड द मॉडल गेट्स ट्रेन यूजिंग दीज डेटा पॉइंट्स। नाउ अ न्यू डेटा पॉइंट्स डायमंड as shown in the figure is given and it has different independent values of three features, age, salary, BHK apartment mentioned above. The model has to predict whether this data points point belong to yes or no. Prediction of the class of new data points, the model calculates the distance of these data points from the centroid of the each class group. Finally, this data point विल बिलोंग टू दैट क्लास। मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और ये बता देंगे कि भैया ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो इस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। विच विल हैव द मिनिमम सेंट्रोइड डिस्टेंस फ्रॉम इट, जिस जो मतलब इसके सेंट्रोइड डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि मैं एक सर्किल बनाया, ये पॉइंट है, ठीक है, और इसके पास में जितने भी पॉइंट्स हैं, और एक और ये हो गया इसके पास में जितने पॉइंट, अब यहाँ से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी कौन से की कम है, ऑब्वियसली इसकी कम है तो ये इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है क्योंकि इसकी इससे इस सेंटर से दूरी कम है, इससे ज़्यादा दूरी है, ये क्लास वन से बिलोंग करता है और ये क्लास टू से बिलोंग करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं ये क्लास वन और क्लास टू है, ठीक है। Finally, this data point will belong to that class which have the minimum centroid distance from it. The distance can be calculated between centroid and the data point using these methods. कौन कौन से methods हैं? सबसे पहले Euclid distance, जो कि हम पढ़ते हैं यार हमारे 10th class के अंदर। Euclid distance हो गया x2 minus x1 की whole square plus y2 minus y1 की whole square, ये यूक्लिड फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसके आधार पे हम कर रहे हैं। तो उन सब को समेशन कर लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उनका समेशन, बेसिकली यहाँ पर जो सम कर रहा है वो जितने भी, जैसे x y z हो गया तो इन सब के डिफरेंस का सम,
तो उसका स्क्वायरिंग करते रहें, ठीक है। सो यूक्लिड डिस्टेंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। फीचर्स वैल्यूज एज सैलरी बीएचके अपार्टमेंट, तो ये फीचर वैल्यूज हैं, इन सब का हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बिटवीन हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो ऑफ द डेटा पॉइंट एंड द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लास, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय द पाइथागोरियन थ्योरम। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड सो फार, विच एक्स इज द डेटा पॉइंट वैल्यू, वाई इज द सेंट्रोइड वैल्यू एंड के इज नंबर ऑफ फीचर्स वैल्यूज। सो के हो गए नंबर ऑफ फीचर्स यहाँ पर, ठीक है, कि नंबर ऑफ फीचर्स जैसे कि एक्स हम क्या कर रहे हैं ना, एक पॉइंट के पास में तीन, यहाँ पर तीन पॉइंट्स है, एज हो गया, फिर बाद में उसका सैलरी हो गया, फिर तीसरा इसके अंदर बीएचके अपार्टमेंट हो गया, तीन पॉइंट्स है, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन के स्क्वायर, इस तरीके से डिस्टेंस आ जाएगी सबकी, और हम कंपेयर करेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट किस सेंटर से ज़्यादा करीब है, जिस सेंटर से ज़्यादा करीब होगा उसी सेंटर की क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस, इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लास। सो सब एक जैसे ही, यहाँ पर अंडर रूट की जगह पर हमने क्या कर दिया, उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं जो माइनस वैल्यू उसकी रेडिकेट हो जाएगी। फिर है मिनकोवस्की डिस्टेंस, सो इट इज़ जनरलाइजेशन ऑफ अबाउट टू मेथड्स एज शोन इन द फिगर, डिफरेंट वैल्यूज कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आर। ओके, सो ये अपना हो गया पर्टिकुलर प्रिडिक्शन ऑफ क्लास ऑफ न्यू डेटा पॉइंट। अगर न्यू डेटा पॉइंट आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास में दो क्लास, एक ये और दूसरा ये, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो नया पॉइंट आ रहा है यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ रहा है नया पॉइंट, तो वो इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है या इस क्लास से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी डिस्टेंस देखेंगे और एक इससे इसकी डिस्टेंस देखेंगे। मान लीजिए कि ये है आर और ये है आर डैश, तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि आर डैश है वो छोटा है आर से, तो ये कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, ये इस क्लास से बिलोंग करेगा। तो हम मान लीजिए कि इसमें कह देते हैं कि ये क्लास वन है ये तो खरीदेंगे और क्लास टू वाले नहीं खरीदेंगे, तो ये जो नया बंदा है ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यस, क्योंकि ये क्लास वन से बिलोंग करता है, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो नीड ऑफ फीचरिंग स्केल, फीचर स्केलिंग, सो फीचर स्केलिंग की नीड क्या है, द गिवन डेटा सेट कंटेन्स थ्री फीचर्स, एज सैलरी बी एच के अपार्टमेंट, कंसिडर अ रेंज ऑफ 10 to 60 फॉर एज, 1 to 40 lakh फॉर सैलरी एंड 1 to 5 फॉर बी एच के ऑफ फ्लैट्स, ऑल दीज फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई एज का सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, सैलरी का बी एच के से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। सपोज द सेंट्रोइड ऑफ द क्लास वन इज 40, 22 और 3, the data points to predict is 57, 33 lakh or 2, ठीक है। सो इसकी डिस्टेंस देख लिया हमने, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ऐसी सीधी हम डिस्टेंस देख लेंगे, इसको पाइथन के अंदर डालते हैं और इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, प्रिंट। ठीक है, इसको हम प्रिंट, क्या बोल रहा है, ओके, ये मोड आ गया, नम पाई को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नम पाई, फिर हमें प्रिंट करवाना है, डॉट
mod 14 माइनस 57, इसको मैं एक बार रन करवा के देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। एंड रिमाइंडर टेक्स फ्रॉम 2 to 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 और गिवन, एक ही दे रखी है। एक्चुअली मोड नहीं है इसका, मॉड्यूलस होगा ना ये। मॉड्यूलस गलत लिख दिया मैंने, मोड आएगा ना यहाँ, मॉड्यूलस नहीं मोड। मोड इज ऑल्सो रेफर टू मॉड्यूलस। गलत इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यार। इन दोनों का डिफरेंस मोड, इन दोनों का डिफरेंस मोड, मैनहट्टन यूज कर रहे हैं यार, और फिर उससे डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस आ गई, इससे मैनहट्टन ही यूज किया है। ये शायद मोड ही तो होता है यार, थोड़ा सा डाउट है गाइस मेरे को इसके अंदर, इसको मोड ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसका फीचर ये होता है कि ये नेगेटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव में बदल देता है, और उसकी उसके लिए हम स्क्वायरिंग मेथड भी यूज़ करते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं फिर बाद में उसका अंडर रूट निकालते हैं, तो वो एक मेथड हो गया। इधर क्या करते हैं ना कि हम मोड लगा देते हैं तो स्क्वायरिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर बाद में हम सबको समेशन कर लेते हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला लगाओ, या तो मैनहट्टन लगाओ या तो यूक्लिड लगाओ, ठीक है। सो इट कैन बी सीन दैट द सैलरी फीचर विल डोमिनेट ऑल अदर फीचर्स वाइल प्रेडिक्टिंग द क्लास ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया अगर हमें किसी की भी क्लास देखनी है तो कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, एज डोमिनेट नहीं कर रही है, ठीक है, बीएचके डोमिनेट नहीं कर रहा, सैलरी, अरे भैया पैसा होगा तभी ना खरीदोगे कुछ, ठीक है। सो सिंस ऑल द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज अ पर्सन सैलरी हैज़ नो रिलेशन विद हिज एज और वट रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लैट शी और ही हैज़। दिस मीन्स दैट द मॉडल विल ऑलवेज प्रिडिक्ट रॉन्ग। सो द सिंपल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज फीचरिंग स्केल। तो यहाँ पर सिंपल सोल्यूशन क्या है कि हम उसके स्केल को स्केलिंग को फीचर कर दें। फीचर स्केल एल्गोरिदम विल स्केल एज सैलरी बी एच के इन अ फिक्स्ड रेंज से -1 to 1 और 0 to 1, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फिक्स कर देगा इसकी पर्टिकुलर चीज को। एंड देर इज नो फीचर कैन डोमिनेट अदर्स। तो उसके बाद में क्या होगा ना कि कोई भी एक फीचर, ऐसा कोई फीचर नहीं होगा जो डोमिनेट करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर फीचर डोमिनेट कर रहा है, अगर ये 0 to 1 की रेंज में आ गए ये सारे फीचर्स, तो फिर बाद में कोई डोमिनेट नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पर डोमिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है इस एज वाली, सॉरी सैलरी वाली फीचर की वजह से। तो फीचर स्केलिंग का मतलब क्या हो गया कि सबको एक रूप में ला दिया, कि एज भी है वो आपकी 0 से 1 तक वेरी कर रही है, सैलरी भी आपकी 0 से 1 तक वेरी कर रही है, ठीक है, वहीं आपकी जो बी एच के है वो भी आपका 0 से 1 तक में ही वेरी कर रहा है, या फिर -1 to 1 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका कोई एक पर्टिकुलर जो फीचर है वो डोमिनेट नहीं करेगा। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कोई एक फीचर वहाँ पर डोमिनेट नहीं करेगा, जो कि वो यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनका जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब सैलरी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा डिफरेंस होगा और तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके चलते अगर जैसे ही हम फीचरिंग फीचर कर देंगे, उसका स्केल फीचर कर देंगे या फीचर स्केलिंग कर देंगे, तो उसके बाद में ये सब नहीं होगा, डोमिनेट नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आप ये समझ गए हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।